नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा सुमुल को सर्वश्रेष्ठ डेयरी पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमुल को पुरस्कार प्रदान किया। सुमुल के अध्यक्ष मानसिंह पटेल सहित निदेशकों ने पुरस्कार स्वीकार किया। सुमुल डेयरी के नए पार्डी प्लांट की क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन है और यह उन्नत तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित है। ऊर्जा कार्यक्रम के प्रदर्शन को देखते हुए सुमुल को वेस्ट जोन डेयरी में पहला स्थान मिला। दुग्ध उत्पादन से 2.5 लाख पशुपालकों को प्रतिदिन 12 करोड़ रुपए का रोजगार मिलता है। जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। जयेश पटेल, डायरेक्टर सुमुल डेयरी। सुमुल डेयरी ना नवी पार्टी यूनिट ने अद्यतन टेक्नोलॉजी साथ श्रेष्ठ परिणाम ने कारण इंडियन डेयरी एसोसिएशन तरफ थी बेस्ट डेयरी नो एवोर्ड एनायत थयो छे। समग्र सूरत तापी जिला साथ जोड़ेला अविरत पशुपालकों माटे गौरवनीय क्षण छे। ખાસ કરીને આ એવોર્ડ નાગપુર ખાતે કેન્દ્રના સડક પરિવહન મંત્રી આદરણીય શ્રી નીતિનભાઈ ગડકરીના હસ્તે સંસ્થાના ચેરમેન શ્રી આદરણીય માનસિંહભાઈ પટેલે સ્વીકાર્યો છે અને આ એવોર્ડને કારણે સમગ્ર પશુપાલકોમાં ખૂબ જ આનંદની લાગણી ઉભી થઈ છે। સુમુલ ડેરી લગભગ 75 વર્ષના એના શ્રેષ્ઠ શાસનમાં પશુપાલકો માટે દરરોજના 12 કરોડની આમદની આપવામાં સફળ થઈ છે અને ડેરી જે રીતે ઉત્તર પ્રગટિત થઈ રહી છે સમગ્ર નિયામક મંડળના પ્રયત્નો અને પશુપાલકોના પ્રયત્નને કારણે ડેરી શ્રેષ્ઠતા તરફ આગળ વધી રહી છે। તમામ પશુપાલકો આનંદની લાગણી છે। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।